और इस वक्त की बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। सोनिया ने लेख में खादी की अनदेखी के आरोप लगाए। हाथ से बुने कपड़े से बनता है तिरंगा। 2022 में सरकार ने पॉलिएस्टर से बने झंडे की मंजूरी दी और 2023 और 2024 में पॉलिएस्टर का आयातक देश बन गया भारत। तो आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का ये बड़ा हमला है। तो सोनिया गांधी ने यह लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने खादी की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। यहां लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर रिन्यूड कॉल फॉर अ हर घर तिरंगा कैंपेन इन द वीक खादिंग अप टू आर इंडिपेंडेंस डे ऑफर्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्टिवली इंट्रोस्पेक्ट ऑन आवर नेशनल फ्लैग एंड इट्स सिग्निफिकेंस टू द कंट्री। हिज मॉरल डुप्लिसिटी इज पेइंग डिफेंस टू द नेशनल फ्लैग वाइल प्लेजिंग Alliance into an organization that has remained indifferent to it is one matter. हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से इस पूरे मामले में, आपको बता दे, खादी और उसकी पहचान को खादी को उसकी पहचान से वंचित किया जा रहा है, ये बात कही गई है और खादी उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत इस लेख में बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है और इस लेख में खादी के अनदेखी के आरोप लगाए हैं और सरकार पर सोनिया गांधी ने ये बड़ा हमला किया है।